दोस्तों, आपने बहुत बड़े बड़े जानवरों को आपस में लड़ते हुए देखा होगा और उनके भयानक फाइट्स देखकर तो हम सभी हैरान हो जाते हैं। क्यों दोस्तों, सही कहा ना मैंने? लेकिन दोस्तों, क्या आपने कभी छोटे छोटे जीवों को आपस में लड़ते हुए देखा है? और अगर आज तक आपने ऐसा कुछ नहीं देखा तो दोस्तों, हम आपको बता दें कि बड़े जीवों की तरह इनकी भी लड़ाई काफी दिलचस्प होती है। और अगर आप कमजोर दिल वाले हैं तो इस वीडियो से जरा दूर रहना, क्योंकि आज मैं यानी आपका होस्ट हूं दोस्त सैम, आपके फेवरेट चैनल में कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग फाइट्स लेकर आया हूं जिन्हें देखकर आप पक्का दंग रह जाओगे। ये सोचने पर मजबूर हो जाओगे कि इतने छोटे जीव भला इतनी भयानक फाइट कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों, देर किस बात की, शुरू करते हैं हमारी आज की इंटरेस्टिंग वीडियो। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर हमारी वीडियो पसंद आए ना तो इसे लाइक करने में कंजूसी मत करना। तो दोस्तों, हम अपनी आज की इस वीडियो की शुरुआत अगामा से करते हैं। ये एक अनोखे प्रकार की छिपकली होती है, या फिर आप इसे छिपकली भी कह सकते हैं। और ये बात तो सभी को पता है कि छिपकलियां प्रोटीन पाने के लिए छोटे छोटे इंसेक्ट्स को खाती हैं। तो यहां पर भी इन्हें इन छोटे छोटे इंसेक्ट्स को खाने में कोई परेशानी नहीं हुई और इन्होंने इसे तुरंत खा लिया। और फिर अगामा के सामने एक्रिडा, जिन्हें चाइनीज ग्रास हूपर भी कहते हैं, इन्हें चाइना के लोग खाते भी हैं। तो फिर चलिए देखते हैं अगामा के लिए इन्हें खाना कितना मुश्किल होगा। तो दोस्तों, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जैसे ही अगामा एक्रिडा के पास आती है, वैसे ही वो उसके पास से दूर उड़ जाती है। लेकिन अगामा भी कहाँ हार मानने वाली थी, वो तुरंत ही उसके पास जाकर उसे अपने मुंह में भर लेती है। और दोस्तों, अब जरा अगामा को क्यूबन कॉकरोच से लड़ते हुए देखिए। लेकिन दोस्तों, इस बार अगामा के लिए इस कॉकरोच का शिकार करना इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि इसकी स्किन बहुत स्लिपी होती है, ये आकार में काफी बड़े होते हैं। इन्हीं सब वजहों से अगामा काफी सारे प्रयासों के बाद भी क्यूबन कॉकरोच का शिकार नहीं कर पाती। दोस्तों, अभी तक जहां अगामा के लिए शिकार करना काफी आसान हो रहा था, वहीं अब इसकी मुश्किलें बढ़ने वाली है, क्योंकि अब इसके सामने लोकस्ट थी जो कि साइज में इसके बराबर ही थी। और इन्हें देखने में ऐसा लग रहा था कि दोनों एक दूसरे से डर रही है, जिस वजह से कोई भी किसी पर वार नहीं करना चाहता था और दोनों एक दूसरे से भागने लगती है। और अब दोस्तों, असली फेस ऑफ की बारी है, जिसका हम सभी को बेसब्री से इंतजार है, यानी मैंटिस और स्कॉर्पियन के बीच की लड़ाई। दोस्तों, सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि स्कॉर्पियन यानी बिच्छू के बगल में कुछ छोटे छोटे कॉकरोच हैं, जिनका शिकार करने के लिए मैंटिस बेसब्री से इंतजार कर रहा है। और इस बात को कॉकरोच समझ जाते हैं, इसलिए वो बिच्छू के पीछे छिपने लगते हैं। लेकिन 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 दोस्तों, मैंटिस को शायद बिच्छू के शातिर दिमाग का अंदाजा नहीं है, इसलिए वो बिच्छू के ऊपर चढ़कर सबसे पहले छोटे छोटे कॉकरोच का शिकार करता है। लेकिन दोस्तों, मैंटिस ओवर कॉन्फिडेंस हो गया है, इसलिए वो बड़े आराम से बिच्छू के ऊपर बैठकर अपने शिकार को खा रहा है। तभी अचानक से बिच्छू मैंटिस पर हमला बोल देता है, लेकिन मैंटिस भी कुछ कम चालू नहीं है, वो तुरंत ही इस हमले से बचने लगता है और उल्टा बिच्छू पर हमला करने लगता है। दोस्तों, इन दोनों की लड़ाई काफी देर तक चलती है। लेकिन दोस्तों, अंत में बिच्छू मैंटिस को उठाकर उल्टा कर देता है, जिस वजह से वो बाजी जीत लेता है।
लेकिन दोस्तों कुछ भी कहिए, इतने खतरनाक बिच्छू से लड़ना कोई आसान काम नहीं है। और मेंटिस ने बिच्छू को कांटे की टक्कर दी। क्यों दोस्तों, सही कहा ना? तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अब वक्त है आपसे अलविदा लेने का। आपको हमारी इंटरेस्टिंग फाइट्स कैसी लगी हमें कमेंट में बताना, और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो लगातार देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना।